शादी के बाद उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। लड़के ने बोला था कि ना मेरी सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकर नहीं था, जुआ खेलने वाला था वो। जिस दिन हार गए उस दिन दोस्त लेके आओ और अपनी वाइफ के साथ उनको बिठाओ। बोला है ना लड़का हो तभी तो मेरे पास आई हो, लड़की होगी ना या तो उसको मार दे या तो खुद मर जा। स्विगी के नाम पे यार ढूंढती है, तू जा रही है घर घर यार ढूंढने। अगर तू अपने आप को मर्द बोलता है ना, ओ ना मर्द भाई। ये वो लड़की है जिसको ये बोल के शादी कराया गया था कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, और आज ये लड़की खुद स्विगी में काम करती है। और जब से लड़की हुई है ना, हस्बैंड ने इसको घर से निकाल दिया और अब ये दर दर के ठोकर खा रही है। ये देख लो, दर दर के ठोकर खा रही है। और कोई भी ना, मतलब ये देख लो, बच्चा हाथ में है, ये देख लो बच्चा हाथ में, क्या हो गया इसके साथ। और ये बहन ना हमारे पास आई है हेल्प मांगने के लिए। अभी तो अंधेरे का टाइम है, ये आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल लाइफ में कैसे जीती है, क्योंकि अभी तक ना मैं इससे मिला नहीं और काफ़ी दूर से शूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो कि शादी के बाद क्या चीज़ों का वो होता है। देख लो कूड़े में, ये कूड़े में ढूंढ रही है कि कुछ है तो नहीं खाने के लिए। ये देख लो कूड़ेदान से निकाल के खा रही है और अपने बच्चे को खिलाने के लिए देख रही है कुछ। देख लो कितनी मजबूर है, कितनी लाचार है। देख लो अभी इसकी ना हिम्मत नहीं हो रही, इसकी हिम्मत नहीं हो रही कूड़ेदान में हाथ डालने की, बदबू आ रही होगी मतलब, लेकिन मजबूर है, रो रही है। देख लो ये चाह तो रही है कि मैं कूड़ेदान में हाथ डाल के कुछ ना कुछ खाऊं, ये चाह तो रही है कि कूड़ेदान में कुछ ना कुछ हाथ डाल के खाऊं, लेकिन शादी के बाद उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। ये सारी चीज़ें देख के ना शर्म आती है लड़कों के ऊपर, के शादी से पहले बोला कि सरकारी नौकरी में काम करता हूँ और उसके बाद जुआ खेलने वाला लड़का मिला इसको। The next day. भाई मतलब मैं आपको आज बोलूँगा कि आप ये वीडियो को ना मतलब लास्ट तक देखना, बातें सुनना सारी। ये वाली बातें ना कहीं आपके साथ भी कभी ना कभी रिलेट होंगी, या फिर लाइफ में कब टाइम चेंज हो जाता है, कब ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता। तो अपना इंट्रो स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में आपको सारी बातें बताते हैं कि हमारे साथ क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हुई हैं, क्या बात है इनके यहाँ पे बैठने की, और इन्होंने ये डिलीवरी बॉय वाला काम, डिलीवरी गर्ल क्यों बनी है। हाँ जी भाई, क्या हालचाल आप सभी के, होपो के सारे बढ़िया। आज हम यहाँ पे एक ऐसी मदद करने के लिए आ रखे हैं ना इस बहन की, जो कि आप सुन के ना दंग रह जाओगे। दंग क्यों रह जाओगे, इनके हाथ में भाई एक लड़की है, मतलब बच्ची है इनकी, मतलब लड़का इनको नहीं हुआ, बच्ची हुई, और इनकी शादी को लगभग 3 साल हो रखे हैं। और इनकी जब शादी हो रही थी ना, तो घर वालों में मतलब रिश्ता वगैरह आया था, बट इन्होंने लड़का खुद पसंद करा था। फिर उसको ये बोला था कि तू रिश्ता लेके आ, मतलब अरेंज विद लव, ठीक है। तो उस टाइम पर लड़के ने ये बोला था कि भाई मेरी सरकारी नौकरी है, राइट जी, के सरकारी नौकरी है मेरी। एक होता है यार, मैंने देखा मतलब 90% लड़की ये देखती है कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है तो वो क्या काम करता है, कितना कमाता है, क्या उसकी औकात है। मतलब मैंने देखा ऐसा होता है, बट आज आपको इस चीज़ से पता लग जाएगा कि आप गलत सोच रखते हो। और लड़की के माँ बाप भी देखते हैं कि यार हमारी बेटी अगर किसी घर में जा रही है तो सुखी रहे। फैक्ट है, सारे देखते हैं अब क्या अच्छा है क्या बुरा, सारे घरों की सबकी पर्सनल अलग अलग लाइफ है। तो इनको ये बोल के शादी की गई थी कि इसका जो हस्बैंड है वो एक सरकारी नौकर है और काफ़ी अच्छा कमाता है, अगर जब जॉब ख़त्म भी हो जाएगी तब भी घर बैठे पैसे आएंगे। तो माँ बाप ने भी हाँ कर दिया, ये तो मैडम तैयार थी। लेकिन कहानी असली पलटती पता है कब है, जब शादी हो जाती है। शादी के 3rd महीने में ही ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद इनको डॉक्टरों ने ये बोला है कि अभी आपको ब्रेक लेना है, प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिनके साथ इनकी शादी हुई थी ना, वो एक जल्लाद थे, उनसे उनमें सब्र नहीं था। अगर उनमें सब्र होता ना तो आज ये यहाँ पे जॉब नहीं कर रही होती। और सबसे बड़ा झूठ पता है क्या था, कि जिस लड़के ने बोला था कि ना मेरी सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकर नहीं था, जुआ खेलने वाला था वो। जिस दिन जुए में पैसे जीत लिए उस दिन बादशाह, जिस दिन हार गए उस दिन अपने दोस्त लेके आओ और अपनी वाइफ के साथ उनको बिठाओ कि भाई तू मेरा कर्जा माफ़ कर दे, मेरे घर आ जा।
और ये तब की बात है जब ये खुद प्रेग्नेंट थी, तब इनके हस्बैंड अपने दोस्त घर पे लेके आते थे, अगर जुए में पैसे हार गए तो आप जी मेरे घर पे आ जाओ, इससे आगे की बातें आप खुद समझ सकते हो कि वो दोस्त क्या सोच के आते थे, क्या हैवानी उनके दिमाग में होती होगी। मेरे को शर्म आती है ऐसे लड़कों पे भी, आप झूठ बोल रहे हो बोलो, दुनिया झूठ बोल रही है, लिमिट के हिसाब से बोलो, अपनी औकात के हिसाब से बोलो कि वो झूठ कल के दिन सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो हजम भी कर पाए। कहाँ सरकारी नौकरी, कहाँ जुआ, जुए में तो भैया जिसकी किस्मत ऊपर है तो ऊपर है, कभी नीचे आ जाती है तो ख़त्म ही हो जाती है, आपको भी पता है। नौकरी में ये तो है ना कि भाई मैं 20,000 कमा रहा हूँ, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं लाख रुपये कमा रहा हूँ, अगर इस ऑफिस से निकाल भी देंगे तो कहीं पर 10,000 कम कमाऊँगा लेकिन कमाऊँगा। अब उसके बाद कहानी कहाँ से ख़राब होती है, कहानी ख़राब होती है जब डिलीवरी होने वाली होती है तो इसके पति ने इसको ये बोल दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। थोड़ा मतलब इन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं ये सारी बातें कैमरे में नहीं बताऊंगी, मेरे को रोना आ जाएगा, और ये जब मेरे को बातें बता रही थी तब भी ये रो रही थी। तो इतनी ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मतलब कल मैंने पूरी मतलब कल इन्होंने मेरे को 10 बजे सारी चीज़ें बताई और इन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो बनाओ। मैंने सबको बोला है मेरी वीडियो बनाओ, कोई मेरी वीडियो नहीं बना रहा, कोई मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, सबके इंस्टाग्राम पे जाके इन्होंने मैसेज करे थे, मैंने इनके मैसेज देखे, इनसे मैंने बात करी, इनको मैंने अपने पास बुलाया। दिन में तो ये काम करती हैं, और जब ये डिलीवरी पे जाती तो इनका बच्चा इनके साथ होता है, मतलब इनकी लड़की देख लो कितनी हिम्मत है इनमें। और लड़के में जहाँ पे इनके हस्बैंड में हिम्मत होनी चाहिए थी, उन्होंने इनको बीच रास्ते में छोड़ के भगा दिया कि तू अपनी जल मर, जो करना है कर, मेरे को कोई तेरे साथ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी इसके पति की दोबारा एंट्री हो रही है, अब वो एंट्री कैसे हो रही है वो सारी चीज़ें अभी आपको आगे पता लगेंगी धीरे धीरे। आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, कैसे कैसे आपके साथ क्या चीज़ें हुई, मतलब हाँ रो मत ना, ऐसे रोगे तो फिर हो गया, बताओ आप भाई। मैं थोड़ा मेरी गलती थी कि मैं लालच में आ गई कि उसकी सरकारी नौकरी थी, मैंने भी सोचा सरकारी नौकरी है लाइफ अच्छी रहेगी, तो इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन 3 महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, तो उसका रवैया ही मेरे लिए बदल गया बिल्कुल अपोजिट, मतलब अपने यार दोस्तों को घर लाने लग गया। मैं कहा चलो तो कोई बात नहीं, यार दोस्त हैं कभी कभी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने वो काम डेली ही करना शुरू कर दिया, उनके यार दोस्त आते थे, पहले तो खुद मुझसे उल्टा बोलते थे, तो चलो भाई पति है सहन करो, कर लेती थी। लेकिन उसके यार दोस्त जो आते हैं एकदम बदतमीजी करने लग गए मेरे से आके, जैसे कि मुझसे उल्टा सीधा बोलने लग गए थे कि इतनी क्या जल्दी थी आपको प्रेग्नेंट होने की, हमें भी मौका दिया होता। भाई आप सोच सकते हो, मैं आपको उससे आगे बता नहीं सकती कि कितनी गंद वो लोग मुझसे कहते थे, मेरे पति के आगे ही वो लोग मुझसे ऐसे ऐसे कहते थे। वो बैठा बैठा देखता रहता था कि वो लोग मेरे साथ कह क्या रहे हैं, मेरे को छेड़ते थे, हाथ वाथ लगाते थे कमर वमर पे। भाई मैंने फिर भी वो भी सब झेला, मैंने वो भी उस टाइम झेल लिया, लेकिन जब मेरी डिलीवरी के बाद लड़की हुई उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया भाई वो इसको मारने। उसने मतलब क्या बोला था जब आपकी मतलब ये प्रेग्नेंट थी आप, जब ये डिलीवरी होने वाली थी, तो उन्होंने आपको क्या बोला था कि लड़का होगा तो मैं तेरे को घर पे रखूंगा, लड़की होगी तो नहीं रखूंगा। क्या अगर लड़की हुई तो उसे मार दियो, अगर लड़का हुआ तो ही घर में लेके हो। मेरे ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं दिए मैंने अपने घर वालों से, कैसे कैसे करके पैसे मम्मी पापा से। उन्हें भी नहीं पता कि मैं स्विगी में अलग रह रही हूँ अपने पति से, स्विगी अभी में। आपके मम्मी पापा को नहीं पता? नहीं भाई, उन्हें पता चलेगा उनके दिल पे क्या बीतेगी, आप खुद समझ सकते हो। मैं नहीं बता सकती उन्हें भी, बट मैं अपने बच्चे के साथ अकेले हूँ। अब वो मुझे रोज, उसे कहीं से पता चल गया मैं डिलीवरी कर रही हूँ। अच्छा, उनको पता लग गया कि आप काम कर रहे हो? हाँ, अब वो मेरे पास फोन करके मुझे रोज गंदी गंदी गालियाँ देता है कि तुझे क्या जरूरत है ये काम तो करने उसको की। बोल के जब तू मेरे को साले पाल नहीं सकता, रख नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपने बच्चे को कमाने के लिए अपना घर चलाने के लिए काम भी ना करूँ? इस बात से ही फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चा मेरा जी रहा है कि मर रहा है। उसने खुद ही बोल दिया अगर लड़की है तो गला घोट दे उसका, मैं कैसे अपने बच्चे का गला घोट दूंगी भाई। लड़की है वो, जो भी है लड़की है, लड़का है तो मेरा ही, तो मैं नहीं कर सकती भाई। अबे हम इतनी बड़ी बातें करते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, उसके बाद भी
उसको कह रहा है कि अगर लड़की होगी तो लड़की को मार दियो और अगर लड़का होगा तो घर आइयो। अब इसके पेट से जन्म लिया हुआ है, तेरा बच्चा है, तेरा खून है, ऐसे कैसे बोल सकता है भाई। और सबसे बेशर्मी वाली बात पता है आपने अभी सुन ली कि जब ये प्रेग्नेंट थी, तो जब ये प्रेग्नेंट थी ना तो इसके हस्बैंड के दोस्त आगे पता है क्या बोलते थे कि भाभी जी इतनी जल्दी क्या थी, हमें भी मौका देते। अभी आप क्या चाहते हो, क्या करें हम? मतलब आपने जो बोला था कि आप प्लीज मेरी वीडियो बनाओ, मुझे बहुत परेशान कर, क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, काम ना करो ऐसा बोल रहा है आपको? हाँ, वो कह तो आप क्या चाहते हो भाई? मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने जैसे भी है कमा। मतलब जब से ये बच्चा हुआ है तब से आप एक डेढ़ साल से उससे दूर ही हो? हाँ भाई, मैं एक डेढ़ साल से। उसने कभी आपको यूं भी ट्राई नहीं करा के आप आ जाओ ऐसा? भाई वहाँ जाके मेरे को कोई है नहीं, जब उसके दोस्त उसके सामने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, जब तो मैं प्रेग्नेंट थी, अब पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ, मैं नहीं रहना चाहती। डर तो होगा ना आपको, क्या करें अभी आप बताओ? आप अपने आप कह रहे थे कि मेरा हस्बैंड दिल्ली में भी नहीं रहता, फिर हम उसको यहाँ पे कैसे बुलाएं, कैसे समझाएं? वो हरियाणा से है। अच्छा। मैं यहाँ भाग के आई हूँ डिलीवरी के बाद, मैं यहाँ आ गई थी अपनी बच्ची को लेके, उसने तो बोल दिया था खत्म कर दूंगा मैं ऐसे थोड़ी कुछ अपने बच्चे को होने दे सकती हूँ भाई। क्या करें आप बताओ, उस पर आप फोन पे बात कर लो, क्या पता वो समझ जाए। भाई मैं फोन नहीं करूंगी, मैं फोन करूंगी, वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देगा, मुझे उल्टा सीधा बोलता है। तो उसको ये तो बोलो ना कि भाई तू अगर, मैं काम कर रही हूँ तेरे को उससे भी दिक्कत है, हैं, मैं कुछ काम अपना घर कैसे चलाऊंगी, या तो तू मुझे महीने का 20-30 हज़ार रुपये खर्चा दे दे। भाई उसका खर्चा देने का मतलब है मैं उसके दोस्तों के साथ रहूँ, वो जो मेरे साथ करने के लिए कह रहा है मैं सब करूँ, मैं नहीं कर सकती भाई ऐसा। मुझे उसको बोलो ना जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे काम करने दे, मेरे बीच में मेरे इंटरफेयर क्यों कर रहा है मेरी जिंदगी में, उसको समझा भाई। हम उसका नाम नंबर वीडियो में दे देंगे, फोटो दे देंगे वीडियो में, क्या बीतेगी उसके साथ भाई। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा अभी पता है, मैं नाम नंबर वीडियो में डाल देता हूँ, लोग तो गालियाँ देंगे उसको, जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ वहाँ पे उसको उल्टा बोलेंगे, फिर आप बोलोगे कि आपने मेरे पति के साथ ये कर दिया वो कर दिया, करना तो पड़ेगा ना भाई। मेरे को अपने बच्चे का देखना है, जब वो पति हो गए पति वाली हरकतें नहीं देख। आप एक काम करो, आप उसको फ़ोन करो, आप उसको फ़ोन करो, ये आपका फ़ोन पड़ा, आप उसको फ़ोन करो, क्या कह रहा है पहले आप बात करो भाई। अगर वो फिर गाली, अरे यार अभी करना तो पड़ेगा ना, आप कह रहे हो वो दिल्ली में रहता नहीं, उसको बुलाना तो पड़ेगा ना कैसे करके, क्या करें भाई? मेरे को और बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आप, अरे आप करो, दिल्ली में बहुत जगह, आपको कहीं और हम अपने कहीं ऑफिस में रखेंगे, आप पहले फ़ोन करो। और जिस महीने आपका कभी काम ना हो ना कि हाँ भाई इस महीने आपका काम नहीं हो रहा कुछ भी, कभी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन कर देना, मैसेज कर देना, स्पीकर पे करो ना। लो भाई आप बात करो पहले कि उसको बोलो। हेलो, अरे आप बात तो सुन लो आप। क्या यार, क्या बात, क्या सुनूं मैं यहाँ पे? अरे यार मेरी बात तो, तेरे को मैंने बोला है ना लड़का होए तभी तू मेरे पास आई हो, मेरे को फोन करी हो, अब लड़की हो गया ना सब, या तो उसको मार दे या तो तू खुद मर जा, और तू खुद नहीं मरेगी तो मैं मार दूंगा गोली। अरे यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना कमा रही हूँ, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? इंश्योर आदमी हो, सुन मेरी बात, मैं कह रहा हूँ गोली मार दूंगा दोनों को, इज्जत से बता रहा हूँ यार। आप मैं आपके साथ नहीं रह रही हूँ, मैं अलग अपना कमा रही हूँ, अपना बच्चा खुद पाल रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? तू कमा रही है, तू जा रही है घर घर यार ढूंढने, तू स्विगी के नाम पे यार ढूंढ दिया है, ठीक है, तू कमा नहीं रही। मैंने क्या यार ढूंढ दिया, तुम घर पे बैठा के यार लेके आ रहे थे अपने, वो अच्छा काम था। मेरी बात सुन ले, मैं मारूंगा जहाँ है वहीं आके, तू स्विगी के नाम पे घर घर जाके ना यार ढूंढती है कि कौन सा मोटा बंदा मिले मेरे को, तू काम करती है, चूतिया बना रही है, गोली मार दूंगा मैं बता रहा हूँ, देख लो भाई। और मेरे को फोन मत करियो आइंदा से, आज के बाद मैं बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा तो ये फोन करेगी तो उससे क्या होगा? अब ये कौन जा रहा तेरा है? और ये कौन जा रहा तेरा? तो तेरे को बात करो ना तुम, तेरे को क्यों जलन हो? मतलब क्या तू अपनी यारों से मेरी बात करवा रही है? नहीं मैं कह रहा हूँ अगर मैं उसका यार हूँ तो तेरे को क्यों जलन हो रही है भाई? आग मच रही है क्या अंदर? आग मच रही है क्या अंदर? आग
जेलिस फील हो रहा है? ये बता पहले तो तू। जेलिस फील हो रही है तेरी वाइफ मेरे साथ? नहीं नहीं, तू है कौन? तू है क्या कहीं का मंत्री है क्या? मारने का प्रधान नगर है। मारने का मन कर रहा होगा मुझे। पहले गोली मार दूंगा जहां दिख गया। कौन सी वाली? तने बेरा किसके बात करने लग रहा है तू? मन्ने ना बेरा भाई, कौन है तू? अरे जहाँ है ना वहीं से पता है क्या धरती के अंदर 50 फीट नीचे डाल दूंगा। अच्छा। और तू मेरी बीबी के साथ अपनी ऐसी तैसी करवा ले क्या? भाई तेरी वाइफ तो मेरे साथ बैठी हुई है, देख ले अब। तेरी बीबी नहीं है? तेरी संभालना, अपनी ऐसी तैसी करवा रहा वहाँ पे। तेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है, अब बता। तेरी वाइफ नहीं है, तू भी ऐसे ही है क्या? मेरी तो शादी नहीं हुई, लेकिन तेरी वाइफ तो मेरे साथ बैठी है। तू भी ऐसा ही है? अगर तेरे में, अगर तेरे में थोड़ी भी, ओए मैं क्या कह रहा हूँ, ओ नामर्द सुन, अगर तेरे में थोड़ी भी शर्म है ना, ओ ओ नामर्द सुन, तेरी नामर्दी के, तेरे नामर्दी के ना मैंने बहुत वो सुन लिए। अब तू इतनी बकवास करेगा कुछ होगा नहीं। तेरी औकात जितनी थी ना तेरी, मैं तो दिल्ली हूँ। दिल्ली है, दिल्ली में अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है। तू अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आ जाएगा? हाँ दिल्ली में अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है। तू अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आएगा जैसे तेरी वाइफ आई है? इसको एक बार फोन दियो, मेरे को फोन दियो इसको। क्यों जलन हो रही है मेरे साथ बैठी है तो थोड़ा? ये जाती है सही का नाम पे अपनी यार ढूंढने बहन। अब तुम ना पता है क्या कर सकते हो, दूसरी की बहन बेटियों को गालियां दे सकते हो बस। हाँ तो फिर एक काम करो ना, तो अपने घर वालों का भी थोड़ा ध्यान रखा करो ना। अपने घर वालों? तू इतना शरीफ बन रहा, तू है कहाँ ये बता मेरे को तो। तू पहले, मैं तो दिल्ली हूँ, अगर तू आधे घंटे में आ सकता, आ तो पाएगा नहीं वैसे। तू है कौन? है कौन तू पहले ये बता। मैं तेरी बीवी के साथ बैठा हूँ, कौन हूँगा सोच ले। क्या मतलब क्या तू अपनी ही है? मैं तेरी वाइफ के साथ बैठा हूँ, सोच ले मैं कौन हूँ और उसी के फोन से तेरे से बात कर रहा हूँ। दूसरे के साथ बैठा, अपनी नहीं है, अपनी के साथ बैठना। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे में तो जिगरा है तो मेरे को इससे दूर करना। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे में अगर जिगरा होता ना तो तू मुझे इससे दूर करता। मुझे क्या कह रहा हूँ, हाँ तो तू तो नामर्द है, तू तो आ ही नहीं पाएगा ना। मैं क्यों आऊँ, तेरी वाइफ मेरे पास है, मेरे साथ बैठी है। पता है कैसे बैठा हूँ उसके साथ? पता है कैसे बैठा हूँ तेरी वाइफ के साथ? और कितना नीचा गिरा हूँ तेरे को। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तू मेरे पास आए। साले शादी करिए तूने लड़की के साथ ये बोल के कि तू सरकारी नौकरी में काम करता है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अब के बाद मैं क्या कह रहा हूँ इसके बाद तूने जितनी गालियाँ दी ना, ये सोच के दियो कि तू अपने माँ बाप को दे रहा। अब सोच ले, मैं कर रहा हूँ तेरे से प्यार से बात। मेरे को मैं क्या कह रहा हूँ, जो छोटी से, मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी से बड़ी गाली जो भी देगा ना, यूँ समझ अपने मम्मी पापा को दे रहा। अब तू सोच ले, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात तो सुन। शर्म मेरे को जब आती जब मैं इसके पास चल के जाता, अब वो मेरे पे चल के आई है तो मुझे शर्म आनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, आपको सब पता लग गया क्या हमारे बारे में? वेरी गुड। हाँ अब मैं आपको एक और नई चीज बता रहा हूँ, सुनो। मेरे को फोन मत करियो, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अगर तूने फोन काट दिया ना, मुझे यूं लगेगा तू नामर्द है। देख तू नामर्द नहीं है तो तू मेरे पास आ जाना। क्या हुआ? तू नामर्द नहीं है ना, तू नामर्द नहीं है तो मेरे पास आ जाना। लोकेशन भेज रहा हूँ, तेरी वाइफ भी मेरे साथ बैठी है और तेरी लड़की भी मेरे साथ बैठी है। सुनो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पहले अपनी वाइफ को ये बोला कि आप एक सरकारी नौकरी में काम करते हो जो कि आप जुआ खेलते हो। पहली बात तो आपने ये गलत करी। दूसरी बात ये कि आपकी वाइफ के साथ अगर आपकी शादी हुई है ना, तो आप अपनी वाइफ के पास अपने दोस्त लेके आते थे अपना कर्जा माफ कराने के लिए। आपके माँ बाप ने अगर आपको ये सिखा रखा है तो बहुत अच्छा सिखा रखा है, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपकी वाइफ है ना उसने पता है क्या कर रखा है, उसने आपकी पोल पट्टी खोल रखी है। उसने पता है क्या कर रखा है, कल एक न्यूज़पेपर वालों के पास गई है, उसने पता है क्या करा, आपका नाम नंबर न्यूज़पेपर वालों को दे दिया है। और अभी भी है ये जो, ओ अभी भी, हाँ सुन ना ना ना, अब तू नंगा हो जाएगा, अब तेरे माँ बाप को भी पता लग जाएगा तू कितना बड़ा नंगा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो स्विगी में जॉब कर रही है तो तेरे आग मच रही है। अगर तू अपने आप को मर्द बोलता है ना, अगर तू अपने आप को मर्द बोलता है ना, ओ ना मर्द, ओ जनानी सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूँ, ओ औरत, ओ भाभी सुन ले, ओ सुन तो,
सुन तो ले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ कि भाभी मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ अगर तेरी वाइफ काम कर रही है तो तू उसको पैसे देना, पैसे तो दे नहीं पा रहा साला कुत्ता हरामखोर, अपनी वाइफ तो पाली नहीं जा रही तेरे से साले, अपना घर तो चलाया नहीं जा रहा, उल्टा यूं कह रहा है कि अगर लड़की पैदा हुई है तो लड़की को मार दोगी तो मेरे घर पे आना। अबे लड़की हुई है तेरे घर में ही माँ बहन होगी, तेरी मम्मी की, तेरी जब मम्मी पैदा हुई थी ना, जब तेरी मम्मी पैदा हुई थी ना वो भी एक लड़की थी, सोच उसी ने तेरे को जन्म दिया, सोच वही उसी ने तेरे को जन्म दिया, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ कर सकता तो अभी तक आ जाता, तू अपनी वाइफ को काम से काम करने से रोक रहा है, तेरे से बड़ा नामर्द गलीस। नो प्रॉब्लम, मैं क्या कह रहा हूँ सुन ले, अब मैं तेरे को एक और बात बता देता हूँ, अब तेरी ऐसी तैसी होगी, पूछ क्यों, ये सुन मेरी बात, जो तेरी सुन तो ले, ओ भाई सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को, तो भाई बोलते हुए मेरे को शर्म आ रही है, तेरे से बड़ा नीच और कुत्ता इंसान मैंने देखा नहीं आज तक, जो अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख सकता यार, अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख सकता यार, क्यों कमा रहा है पैसे, अपनी वाइफ को तूने घर से निकाल दिया, कितना बड़ा नीच है यार तू, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ गाली, हाँ बहुत बढ़िया, अपनी मम्मी को कितनी प्यारी गाली दी तूने, भाई काट दिया इसने तो, भाई इसने तो काट दिया, मतलब ये डर गया, इसको दोबारा फोन करूँगा, इसकी तो ऐसी तैसी करूँगा मैं, अब जब मैं इसको बोलूँगा ना कि तेरी वीडियो बन रही है, तेरी फोटो इस वीडियो में डाल दूंगा, तब देखना कैसे डर जाएगा, अभी ये वाली ये बात मैंने बताई नहीं है, अब डरेगा वो देखना। भाई फिर वो बोलेगा, फिर गाली बकेगा भाई, तो अपने मेरे को थोड़ी ना दे रहा, अपने मम्मी पापा को गाली दे रहा, मैं क्या, देखो भाई दोबारा अपनी मम्मी पापा को गाली दे रहा, वेरी नाइस वेरी गुड, ऐसे देते रहो अपने घर वालों को गालियां, ऐसे अपने घर वालों को गालियां देते रहो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन, तेरी वाइफ सुन ले, ओ सुन तो ले, तेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है, तूने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, तूने अपनी वाइफ को ये बोला कि अगर लड़की होगी तो तू उसको मार के फिर मेरे घर पे आई हो, तू कर्जे से पैसे हार के आता था तो तू अपने दोस्त लेके आता था अपनी वाइफ के पास, ये सारी बातें, हाँ कोई बात नहीं सुन तो, अब आगे की बात तो सुन, ये वाली बातें सारी तेरी वाइफ ने, अभी जो ये बात हो रही है ना तेरे साथ, हमारा ना यूट्यूब पे चैनल है, सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो ले, अब इसने क्या कर दिया, तेरी फोटो दे दी हमें और तेरा नंबर दे दिया हमें, कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और बोलेगा तो मैं तेरे पापा की फोटो भी साथ लगा दूंगा, तेरे भाई की भी लगा दूंगा, तेरे दादा परदादा उससे बड़े परदादा सबके लगा दूंगा, अगर तेरे में दम होगा ना सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अभी तेरे में दम होगा ना तो ये वीडियो अपलोड करने से बचवा दियो खुद को, मैं क्या, हाँ बिल्कुल ना, वेरी नाइस, आपने परमिशन दे दी, ये भी रिकॉर्डिंग हो गई हमारे पास, बिल्कुल वेरी नाइस, यही तो मैं आपको समझा रहा था कि अभी भी आप भी बत्ती करके अपनी आंख के अंदर डाल दो, क्योंकि ये वीडियो भी अपलोड होगी और आपकी वाइफ ऐसे काम भी करती रहेगी और आपकी वाइफ, वेरी नाइस, कितनी प्यारी गाली दे रहे हो अपने पापा को यार, वाह यार पापा को गाली देता, ओ वेरी नाइस, पैक बना पापा के साथ, पैक पिएगा अपने, देख बहुत बढ़िया, देख अपने बाप को गाली दे रहा है यार, कैसा बंदा ये, तभी तो इसने अपनी वाइफ को निकाल दिया, इसके बस की नहीं थी ना यार, अभी ये जल रहा, इसके अंदर ना आग मच रही है, तूने पहले फोन क्यों काट दिया, मतलब तू नामर्द है, मतलब बचपन में पता है क्या हुआ होगा, बचपन में ये हुआ होगा, तू ना चाकू के साथ खेल रहा होगा और चाकू तेरे साथ खेल के चला गया होगा, वेरी नाइस, तभी तो तेरी वाइफ तेरे साथ नहीं है, मैं अभी सोचू यार ये चाकू ने क्या काम कर दिया तेरा, कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वीडियो अपलोड हो जाएगी, तेरे में दम है तो रोक ले, आधा घंटा पड़ा है तेरे पास आना है तो आ भाई, गूंगा क्यों हो गया, बोलना क्या हो गया, दिक्कत हो गई, हाँ फोन क्यों काटा तूने, हाँ वेरी नाइस, पापा को गाली दो, वेरी नाइस, पापा को और अच्छी अच्छी गालियां दो, बोलो पापा जी आपकी जी में, वेरी नाइस, हाँ ये वाली गाली भी दो अपने पापा को, वेरी नाइस, पापा को अपने गाली दो, कितनी अच्छी अच्छी गालियां देते हो, कितने अच्छे संस्कार दिए आपके पापा ने आपको कि अपने पापा को ही गाली दे रहे हो,
लेकिन तेरी वाइफ जो है स्विगी में काम करेगी, तेरे में दम है तो आजा, जो मन में करना है कर, हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, आई डोंट केयर। भाई साहब लोकेशन भेज दूं क्या तेरे पे? लोकेशन भेज दूं, आ जाएगा? अगर एक बाप का बच्चा है ना, अगर तू 15 मिनट में आ गया ना, मैं तेरे को मान जाऊंगा। और बता, अगर एक बाप का बच्चा है, भेज दूं तेरे पे? एक बाप का बच्चा है? एक बाप का है पक्का? मैं क्या कह रहा हूँ, एक बाप का ही है ना, एक बाप का बच्चा है तो आजा थोड़ी देर में। मैं तेरे पे नंबर, ओ भाई सुन तो, मैं तेरे पे लोकेशन भेज रहा हूँ दूसरे नंबर से, अपने नंबर से लोकेशन भेज रहा हूँ, आजा। अगर तेरे में दम होगा हेलीकॉप्टर मंगवा लूँ क्या तेरे लिए? अबे तेरी बात सुनने के लिए खड़ा होंगे यहाँ पे मैं, लोलू चंद, चले यहाँ से, चले चले यहाँ से, बकवास कर रहा है साला, अपनी घरवाली तो संभाली नहीं जा रही कुत्ते। अबे तू अपने अभी कल पे आ गया, अभी तो कह रहा था मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा। अबे क्या, अच्छा घर में घुसेगा? अबे घर में घुसेगा उसके लिए तो वो चाहिए ना, मर्दों के पैर, तेरे तो बाबियों वाले पैर हैं, तेरे तो पैर भारी होते हैं, तेरे तो खुद पैर भारी होते हैं, क्या तू दुनिया के पैर भारी करेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा सुन तो, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा एक और बात बता, लोकेशन तो मैंने तेरे पे भेज दी ठीक है व्हाट्सएप पे, अब अगर तेरी वाइफ स्विगी पे जॉब करेगी, कोई तेरे को दिक्कत परेशानी है क्या? भाई मेरे, वो अपनी मेरी बुलाते अपनी, उसमें भी घंटा फर्क नहीं। सेम टू यू, कितनी अपने घर वालों को कितनी अच्छी गालियां देता ठीक है, और बात रही मैं क्या कह रहा हूँ, बस इतना तो बता दे, अगर वो स्विगी में जॉब कर रही है तो तेरे को कोई दिक्कत है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं तो सुन रहा हूँ तेरे में, मेरे को तो ये पता है, गालियां पता है कब देते हैं, जब लोग हार जाते हैं, जब लड़ नहीं सकते, जब उनका सारा सामान नीचे गिर जाता, जब उनके हथियार खड़े नहीं होते, तब वो गालियों पे आते हैं। क्योंकि जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता, अपने दोस्त अपने घर पे लेके आता है, दोस्त उसके सामने उसकी वाइफ को हाथ लगाते, तब वो नामर्द कुछ नहीं कर पाया, तो वो नामर्द किस काम का यार, कितना बड़ा नामर्द। गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, गाइस ये जो नामर्द से मैं बात कर रहा हूँ, इसकी फोटो मैं लगा रहा हूँ वीडियो में, इसका नंबर भी लगा दूंगा, अगर इसका दोबारा फोन आ, भाई साहब हाँ लगेगा, बचा के दिखाइयो खुद को, लगा के दिखाइयो, बहुत अच्छी गालियाँ दे रहा अपने पापा को, वेरी नाइस, पापा को गालियाँ दे अपने पापा, जब ये तेरी वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे अपने बाप को कितनी गंदी गालियाँ देता। किलस गया ना, ऐसे मेरे को किलसाना बहुत अच्छा था, मेरे को किलसाना बहुत अच्छा लगता है भाई, किलसाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तू किलस नामर, तू किलस वेरी नाइस, तू उल्टा लोगों को ये बोल के, मेरे पे तो हथियार ही नहीं है, मैं तो बिना हथियार के हूँ। अरे तो आना, हम भी परेशान, दुनिया भी परेशान, आके मारना, बीगी बिल्ली की तरह पड़ा, 10 मिनट से बात कर रहा, आजा, लोकेशन भी भेज दी, कुत्ते कमीने नशेड़ी कछुए आस्तीन के सांप, ये करेगी स्विगी पे काम, आके रोक सकता है तो रोक, मान जाऊंगा तेरे को, एक पापा का तेरे, वैसे पापा के साथ अगर मिलने के लिए आना है ना, तो धूप खत्म होने से पहले आइयो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पापा से मिलने के लिए आना है ना, तो धूप खत्म होने से पहले आइयो, क्योंकि पापा ना तेरे जो भी कांड करते हैं ना धूप में करते हैं, तुम्हारी तरह ना मर्दों की तरह रात में कांड नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बोलो मैं काम करूंगी, जो करना कर, बोलो ना गाली, अरे बोल, अब ये तो सोचो, ये जो गाली देगा ना वो तुम्हें नहीं दे रहा, अपने घर वालों को दे रहा है, जैसे अपने मम्मी पापा इनको, खुद को, भाई को। अरे हम गाली नहीं देते भाई, हम गाली नहीं देते, हमारे घर वालों ने ये संस्कार नहीं दे रखे कि ना मर्दों को गाली दे, ना मर्द को सामने ना मर्द बोल दिया, इससे बड़ी गाली कौन सी होती है? नहीं भाई, मैं काम करूंगी, चाहे कोई कितना भी रोक ले, तो मारना, ये स्विगी में काम करेगी, सुन ले, कितना भी रोक ले मैं काम करूंगी, वेरी नाइस, यही 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 जोश चाहिए था, अब तेरी वाइफ मेरे साथ काम करेगी, अब तेरी वाइफ मेरे साथ काम करेगी और तू देखेगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, अगर तेरे में दम है, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो ले, मैं क्या, वो हाँ बहुत नाइस, तभी तो
तभी तो तेरी वाइफ तेरे साथ नहीं है यार। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आ रहा है क्या? फिर काट दिया इसने फोन। भाई मैं तो इसको इतना रुला हूँ, दोबारा फोन करूँ क्या? अब इसको फोन नहीं करूंगा। इसने पता है क्या बोला है कि मैं आ रहा हूँ, अगर इस वीडियो में आ गया आपको वो दिख गया, अगर वो आ गया होगा यहाँ पे तो साले का कुत्ता बनाऊंगा, इतना गंदा कुत्ता बनाऊंगा, नहीं तो आज नहीं कल परसों कभी ना कभी तो इस हरामी को बुलाऊंगा यहाँ पे और वीडियो दिखाऊंगा आपको। कभी भी आ सकती है, इसका पार्ट टू कभी भी आएगा जीवन में जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। और बाकी यार उसने तो बहुत अच्छा काम करा, पता है क्या कह रहा है कि आप जॉब करो जो मन में आ रहा है करो, मेरी वला से अपनी बहन मतलब अपनी को बोल रहा था जो मन में आ रहा वो करो, हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब उसने परमिशन भी दे दी। अब धीरे धीरे हम डिवोर्स की बात भी करेंगे और धीरे धीरे हम उसको वो भी दिखाएंगे कि वो है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ धीरे धीरे हम दुनिया को ये भी बताएंगे कि वो ना वो है नामर्द, समझ रहे हो ना। बाकी ये भाई कल से दोबारा, आज से दोबारा स्विगी पे काम करेगी, ऑर्डर्स देगी सबको, अपनी मेहनत का कमाएगी, और जिस दिन इसके पास पैसे कम पड़ेंगे ना हम बैठे हैं, हम देंगे भाई, मतलब हम क्या मतलब आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहन सच बताओ सुकून मिला थोड़ा जब मैंने उसकी ऐसी तैसी करी? दिल में जो फड़ास थी ना बोलने की, आज आपकी हिम्मत से मैंने क्योंकि बोला इसने ना मुझे करनी है जॉब में, क्योंकि इसने ना मुझे कल 10 बजे जब बातें बताई ना मतलब मेरे को रोना आ गया। तो ये गुस्सा सच में निकला उस लड़के के लिए यार, कितना गिरा हुआ काम कर सकता है यार वो। और पता है जो गालियां लोग देते हैं ना, मतलब वो जब हार मैं को यूं लगता है अगर मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ ना, गालियां मैं तब दूंगा जब मैं हार जाऊंगा। गालियां तो छोटे बच्चे भी देते हैं और आज पता लग गया नामर्द भी गालियां देते हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना ज़रूर बताना, जितने भी इस वीडियो को शेयर करना या मतलब जिनको भी इन वीडियो से कुछ भी समझ में आया ना प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वीडियो को आगे भेज देना लोगों के पास, मतलब अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे को लगता है ये चीज़। और इसका पार्ट टू कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा, और जब भी आएगा आप ज़रूर देखना। इतना प्यार सम्मान देने के लिए दिल से शुक्रिया, लोग इतना मतलब इतनी हमें इज्जत देते हैं, मतलब अपना घर से आते हैं हमारे पास कि आप हमारी मदद करो, टाइम निकाल के आते हैं। कम से कम मेरे मैसेज का रिप्लाई तो किया, सुनी तो मेरी, मैंने काफियों के पास मैसेज किया, किसी ने नहीं सुनी मेरी, समझ रहा हूँ। बिल्कुल उम्मीद ही खो गई थी कि भाई वही बात है ना, हर बंदा ना एक मदद नहीं करता, मतलब दिखावा तो करता है मदद नहीं करता, फिर आप लोग ही उनको जवाब देते हो, मतलब मेरे चक्कर में ना आप दूसरों के साथ लड़ते हो कि तुम इसको कॉपी कर रहे हो, तुम पूरी डिटो अजय डिंगरा की जैसे वीडियो बना रहे हो। मैंने देखा ऐसे कमेंट में आप लोग आपस में लड़ रहे हो, कल ही देख रहा था मैं चीज़, तो बहुत प्यारे हो यार आप लोगों जैसा कोई नहीं है, मेरे को पता पूरा यकीन है। बाकी जो भी होगा आगे इस चीज़ में पता लग जाएगा आपको कि वो लड़का आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आज नहीं आया तो कल परसों तरसों, 1 महीना 2 साल 5 साल 10 साल लड़के के साथ मिलूंगा तो ज़रूर। इतना मतलब क्या बोलूं मैं, शुक्रिया यहाँ तक आपने अपना टाइम दिया भाई, मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, आपने मेरी इतनी मदद करी, सुना मेरी, कोई नहीं कोई